तो अगेन बता रहा हूँ, ओपिनियन दे रहा हूँ, एग्री करते हो वेल एंड गुड। मैं खुद अपने लिए जो पसंद करता हूँ मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। जो चीज मैं, जो नैरेटिव, जो स्टेप्स मैं ले लेता हूँ, वही चीज मैं आप लोगों के सामने रखकर आप बता रहा हूँ। कुछ बेसिक चीजें थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी कि अब आने वाले कल में आज जो मुझसे रह गया वो तो रह गया। मैं इथेरियम को नहीं बाई कर सकता, लेकिन मुझे अब कौन सी करेंसी आप सजेस्ट करेंगे या मुझे बाई करनी चाहिए? तो कुछ चार्ट्स मैंने खोले हैं, मैं वो आपको थोड़ा सबसे पहले दिखा दूं कि कौन से आपने बाय करने हैं। एडा जो कि टॉप पे है, एडा बिटकॉइन और इथेरियम के बाद जो एडा है ये शायद इथेरियम की जगह ले ले। इथेरियम और एडा और सोल दोनों जो है ना, इनकी जो 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 आने वाला कल है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ नीचे ऊपर। अब जो जो इसका जो अभी जो करंट रेट है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ 2.40 पे। मैं अभी लॉस में चल रहा हूँ, 2.44 तक जाएगा तो ये मेरा जो लॉस है वो कंप्लीट करेगा। जिस रेट पे मैंने बाई किया था वो से नीचे आ चुका है, 4% गिर चुका है, तो मैं अभी लॉस पे हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका फ्यूचर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको इसका स्टेलर का बता देता हूँ, किधर ये वाला है। ये जो करेंसी है जो कि 0.327 पे है, इसका भी मुझे जो वो आने वाला कल नजर आ रहा है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। अब मैं अगेन बता रहा हूँ, ये देखो किस को टच किया, 0.9 को टच किया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 को टच किया है इसने, क्योंकि अभी गिर चुका है। और इसका जो अभी करंट जो वैल्यू है 0.327 है। इसके बारे में थोड़ा आपको गाइड कर दूं कि ये हमारे पास करता क्या है। ये मैं उसकी वेबसाइट पे आ गया हूँ। ये स्टेलर असल में हमारे पास ये होता है कि ये आपकी एसेट्स को ट्रांसफर करता है, स्टोरिंग में हेल्प कर देता है। या आप सामने देख सकते हो, कैस्टल इज ओपन नेटवर्क फॉर स्टोरिंग एंड मूविंग मनी। तो ये हमारे पास इसका जो किरदार है, आने वाली जो कंपेरेटिव करेंसी है उसमें ये जो करेंसी नजर आ रही है, ये मुझे ये लगता है कि आने वाले कल में इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी, इसकी जो 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 करेंसी का रेट होगा वो हाई होगा। क्योंकि अब देखो, जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, कोई भी बैंक से ट्रांजेक्शन करते हो, कोई भी आप बाहर से आप कुछ मंगवाते हो, पैसों की बात करो, कोई भी करेंसी हो, तो उसमें आपसे किसी स्पेसिफिक अमाउंट में आपसे काटे जाते हैं टैक्स के तौर पे। कोई भी चीज आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अब ये जो करेंसी है, ये आपके आपके डॉलर्स को या आपकी करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा, लेकिन किसी किस्म का आप पे कॉस्ट नहीं आएगा, कोई कटेगा नहीं। इसकी जो आने वाले फ्यूचर में जो कंपनियां हैं इसके साथ, जो कंपनीज हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो होपफुल कि ये आगे जाएगा। ओपिनियन दे रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास एक और है जो कि मैं आपको वो वीचेन, जो कि VET, जो कि करेंसी 0.115 पे है। ये भी करेंसी मुझे ऐसी जो मुझे रियलाइज होता है कि ये भी आने वाली कल के लिए बेहतर है। ये हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होता है उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, और सप्लाई चेन का जो प्रोसेस होता है, जो भी प्रोडक्ट है एक जगह से दूसरी जगह जो जो सप्लाई होती है वो, ये इसका काम ये होता है। इसका जो कंपनी, मैं उसकी वेबसाइट पे तो नहीं हूँ खैर, लेकिन ये जो करेंसी है ये मुझे आने वाले कल में बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अब इसका मैं अगर आपको ग्राफ दिखा दूँ और साथ में उसका ऑल टाइम ड्रॉप, तो ये जो है 0.12 पे, ये इसने आखिरी जो जो हाईएस्ट पे गया है वो है, चूंकि अभी 0.11 है, 0.25 पे गया है, देख सकते हैं आप 0.26। ओके, तो ये भी मुझे ऐसा ही लगता है कि ये भी अच्छा होगा कंपेरेटिवली जो बाकी करेंसीज है, जो मुझे लगता है कि ये आगे जाएंगे कि नहीं। लेकिन मुझे इसकी जो फ्यूचर्स है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, जितनी भी कंट्रीज हैं इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है इनके 700, वो मुझे बहुत ज्यादा हाई लगता है। सेम सिचुएशन कॉइन सॉइल का है। अब मैं आपको खुद बता रहा हूँ, अपनी जो मैं बता रहा हूँ, ये जो अभी जो इसका एग्जिस्टेंट जो प्राइस है 104 पे, तो इसको मैं अभी बाई नहीं करता। मैं कहता हूँ कि इसकी जो 12% गिर चुकी है तो ये नीचे भी आएगी, ये शायद 120 तक डॉलर तक, 110 डॉलर तक, क्योंकि ये 75 से जो गई है ना, इसमें बिल्कुल ये मतलब कोई इसमें
नीचे आने की कोई जहमत ही इसने नहीं की, ये हमेशा जब भी गई है तो ऊपर ही गई है। तो अब इस करेंसी का जो सिचुएशन मुझे नजर आ रहा है कि ये अब दोबारा नीचे ही आएगी, उसके बाद शायद दोबारा ऊपर चले जाए, लेकिन इतना जो अभी इसने जो 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 इसका पीक जो इसने टच किया है वहां तक मुश्किल है कि ये पहुंच जाए, लेकिन स्टिल वेट करते हैं, जैसे ये नीचे आ जाता है हम देखेंगे सिचुएशन को और बाय करेंगे। एक और चीज मैं इसमें जरा आपको बता दूं, तो ये भी कंपेरेटिवली मुझे जो लगता है सोल करेंसी, ये ऊपर भी बहुत जल्दी जाती है लेकिन ये नीचे भी बहुत ज्यादा आ जाता है, और इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ है। सोल 1.38 मिलियन, ओके इसका वॉल्यूम आप पर्सन भी देख सकते हैं, ओके तो इसका भी जो फ्यूचर है मुझे बहुत हाई नजर आया, इसको मैं रेफर करता हूँ आप लोगों के लिए। एक और चीज एडा, ज्यादातर लोग मुझे इसी पे बोलते हैं कि यार तुमने कहा था एडा ले लो, अभी जो इसकी करंट सिचुएशन है मैं अभी तावान में हूँ, 0.2.4 पे अभी मैं अभी लॉस में जा रहा हूँ, लेकिन मैं इंतजार करूंगा, वेट करूंगा, मेरे पास और चॉइस नहीं है। मुझे लगता है कि इससे नीचे नहीं आएगा, 1.24 से क्या नीचे आ जाएगा, नहीं। देखो जो करेंसी आपको प्रॉफिट कम प्रोवाइड करती है तो वो करेंसी हमेशा हमेशा स्टेबल होती है, स्टेबल का मतलब ये कि बेशक आपको प्रॉफिट भी कम होगा लेकिन आपका लॉस भी कम होगा। दूसरी बात, जब ये अपनी पीक तक पहुंच जाए, फॉर एग्जांपल एडीए ने 3.1 को टच किया था, जिस टाइम इसने 3.1 को 3 को टच किया, मेरे पास कुछ थी मैंने निकाल दी, मार्केट को निकाल दी, मैंने कहा कि सेल आउट कर लो, इससे ऊपर नहीं जाएगा, 3.1 पे गया, उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। अब इसका जो मार्केट का इसका जो 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 काम है, जो ये खुद जो स्टेबल करेंसी है वो करती क्या है, देखो वो ऊपर भी बहुत तेज नहीं जाती ना नीचे बहुत तेज आती है, और अगर ऊपर गई तो ये दोबारा अपने आप को स्टेबल करने के लिए दरमियान में खुद दोबारा अपने आप को स्टेबल कर देती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 2.4 पे मैंने अभी बाई किया, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मार्केट 2 दिन बाद नीचे आ गई, कितने तक आ जाएगी, दो टू पे आ गई, 2.4 से 2 पे आ गई, मैं लॉस में हूँ, ओके। अब मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर 2 दिन में और इंतजार करूँ तो ये 2.4 तक दोबारा जाएगी, क्यों, स्टेबल करेंसी है, लोग क्यों पसंद करते। मैं कल एक करेंसी देख रहा था जो कि 200 220 150% उसने अपने पीक को टच किया था, इतना परसेंट में इंक्रीमेंटेशन आ चुका है, लेकिन अब इसकी जो जो मैंने इसको रियलाइज किया तो उसकी डिक्रीमेंटेशन भी अगर आप देख लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर मैं इसी पीक पे ले लेता और मार्केट नीचे आ जाती, अब बहुत ज्यादा वक्त गुजर जाएगा, महीनों गुजर जाएंगे, सालों गुजर जाएंगे, लेकिन वो करेंसी दोबारा स्टेबल नहीं होगी। एक बार पीक को टच किया नीचे आया, वो उस पीक तक वो कभी नहीं पहुंचेगी, बड़ी मुश्किल से जो करेंसी है वो पहुंच जाती है। वाइज यही करेंसी है कि थोड़ा आपको रेवेन्यू जनरेट करता है लेकिन आपका जो नुकसान है वो भी बहुत ज्यादा कम करता है। तो ये कुछ करेंसी थी जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, जो मैं खुद अभी मेरे कुछ करेंसी मैंने इसमें डाल दिए, तो मैं इसमें तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ एडीए को भी, जितने भी मेरे पास यूएसडीटी थी तो मैंने कुछ ईआर भी डाल दी, और एक मेरे पास टीआरएक्स मेरे ख्याल से है, और ये है, तो कुछ करेंसी मेरे पास है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं थोड़ा होल्ड करूँ, सेल आउट नहीं करता हूँ, इंतजार करता हूँ। अगर आपके पास भी है खुद भी एनालाइज कर दे, थोड़ा बहुत आप सर्च कर दे, न्यूज़ गुड मिलती है तो बेशक आप इसको बाय करें। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करना।